आपस में बात होगी, हाँ कहीं मिल के लड़ेंगे, कहीं फ्रेंडली हो सकता है, पर हमारा गठबंधन बरकरार है, हम 24 का चुनाव मिलकर लड़ेंगे। और जब सारे देश के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, हम तो इकट्ठे हैं ऑलरेडी, हम तो कह रहे हैं, हमने तो इसकी शुरुआत की थी, उत्तर प्रदेश से गठबंधन की शुरुआत हुई, तो हमने तो शुरुआत की है, हम तो इस गठबंधन को बरकरार रखेंगे और हम 24 में आगे भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे, उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। ठीक, हमारे मेंबर शादी चल रही है, 23 दिसंबर तक मेंबर शादी करेंगे, फिर उसका चुनाव करके संघर्ष नहीं होगा। मैंने नहीं कहा नहीं होगा, मैंने कहा निकाय चुनाव भी हम मिलकर लड़ेंगे, ये जिलाध्यक्ष और हमारे प्रदेश की टीम तय करेंगी कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे लड़ा जाएगा ये चुनाव। भाई कहीं ऐसा भी हो सकता है कि दोनों दावेदार दोनों हमारे हों, कहीं ये भी हो सकता है कि लड़ेगा ये, चूँकि निकाय चुनाव जो छोटे लेवल पर होता है, एक एक जिले में 10-10 निकाय हैं, 15-15 निकाय हैं, और एक एक निकाय में सभासद हैं, तो वो हम भारतीय जनता पार्टी को निकाय चुनाव में भी हराने की रणनीति बनाएंगे। आपने कहा था 15 दिन में गन्ने का पेमेंट करूँगा, आपने वादा किया था। आज एक महीने बाद मिल चलने वाली अक्टूबर में 1000 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश को पड़ा, सरकारी बिलों पर भी है, उस पर आप क्या करोगे? अब साल भर में नहीं दे रहे हो, 15 दिन का वादा करने वाला चीफ मिनिस्टर 1 साल तक पेमेंट नहीं देता। और चलो किसानों को एक तसल्ली होती थी कि हमें 15% ब्याज मिलेगा, गन्ने अधिनियम में 14 दिन के बाद जो पेमेंट होगा उस पर 15% ब्याज की व्यवस्था है। 5 साल से शुक्ला जी 1 रुपया किसान को ब्याज का नहीं मिला। मैं भी गन्ना किसान हूँ, मेरे नाम भी गन्ना है, व्यक्ति नहीं करूँगा, जमीन तो है, मेरे नाम भी गन्ना पड़ता है। पिछले साल का गन्ना सिंगावल मिल पर अब तक पैसा नहीं मिला और ब्याज नहीं मिलेगा। अगर मुझे 1 साल बाद गन्ने का पेमेंट देगा तो मुझे ब्याज तो मिलना चाहिए, मैंने खाद लिया है, बीज लिया है, मैंने लोन लिया है, तो मैं तो ब्याज दे रहा हूँ उसको। किसान खाद बीज लोन पर ब्याज दे रहा है योगी जी, गन्ने पर भी उसको ब्याज दिलाओ, ये हमारी मांग। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, देश में अगर माध्यमिक शिक्षा कहीं सबसे ज़्यादा खराब है तो वो उत्तर प्रदेश में है। सरकारी स्कूलों में शामपट नहीं है, शामपट तो टीचर नहीं है, टीचर तो बिजली नहीं है, टीचर आते नहीं हैं, और शिक्षा माफिया बना पड़ा प्रदेश में, क्योंकि सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं और सब बच्चे पब्लिक स्कूलों की तरफ भाग रहे हैं। दिल्ली में मनीष सिसोदिया ने एक अच्छा काम किया, बुजुर्ग बाप और उसकी पत्नी महिलाएं सॉफ्ट टारगेट हैं, उनको पूरे खाने काम करते। तो मैं कहना चाहता हूँ कि योगी जी उत्तर प्रदेश में काम बंद करो और ऐसे पुलिस अधिकारियों पर तुरंत कार्रवाई करो जो महिलाओं को अपमानित कर रहे हैं। आप पे अपराधी तो पकड़े नहीं जा रहे हैं, आप महिलाओं को बेइज्जत करने का काम। और ये घटना एक जगह की नहीं है, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रेस के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जहाँ भी इस घटना की ऐसी घटनाओं का पता लगेगा लोकदल वहाँ विरोध करेगा। आप अपराधियों को पकड़ो, उनको जेल भेजो, उनको सजा दिलाओ, कुछ करो, ये आपका काम है, ये सरकार का काम है। हमारा काम बहु बेटियों की इज्जत बचाना है, अगर समाज में आप गलत काम करोगे तो लोकदल उसके लिए आएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।